यह है पैरानॉइड एंड्रॉइड 2+2 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 द मोस्ट स्टेबल कस्टम रोम फॉर नथिंग फोन 1। तो इसकी अपडेट आते ही मैंने फ्लैश कर लिया था और तब से ही इसको कर रहा हूँ यूज। अब तक काफी ज्यादा स्टेबल और मिनिमल एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला है। रोम बहुत सारे ऐसे फीचर्स लैग करती है जो कि आजकल की कस्टम रोम्स में देखने के लिए मिलते हैं, पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे रोम स्विच करनी चाहिए। मैं इस रोम को एक लंबे समय तक यूज कर सकता हूँ। अबाउट फोन सेक्शन में जाकर आप देखोगे पैरानॉइड एंड्रॉइड वर्जन 2+2 यहाँ पर मेंशन है, एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। स्टेबिलिटी की बात करें तो गाइस ये सेकंड अपडेट है स्टेबल वर्जन की और मुझे लगा कि काफी ज्यादा फिक्सेस तो नहीं हुए इसमें, बट यस जो मेजर फिक्सेस रिक्वायर्ड थे आई थिंक इसके अंदर आपको इंक्लूडेड देखने के लिए मिल जाएंगे। अप्रैल 23 का सिक्योरिटी पैच के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा पैरानॉइड एंड्रॉइड कर्नल इटसेल्फ। और गाइस यहाँ पर अब हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैरानॉइड एंड्रॉइड का सिग्नेचर वॉलपेपर मैंने अप्लाई किया हुआ है। इसके अंदर आपको गूगल कैमरा लाइट देखने के लिए मिल जाता है विद स्नैपचैट फिल्टर्स इंक्लूडेड। तो ये देख के काफी सही लगा यार। बाकी मैं यूज तो नहीं करता हूँ, बट यस कुछ लोग जो यूज करते होंगे वो यहाँ से स्नैपचैट फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग स्नैपचैट। अगर हम बात करें इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट लुक की, तो यहाँ पर कुछ इतनी एप्लीकेशंस आपको गूगल की प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिलेंगी। पिक्सल एक्सपीरियंस जैसा मैं समझना, बट यस एक अलग ही वाइब आपको पैरानॉइड एंड्रॉइड देती है, विच इज अ 95% स्टॉक एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी की बात करें तो रूम सेफ्टी नेट पास करती है, दोनों ही बेसिक और इंटीग्रिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर बैंकिंग एप्स का आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और UPI एप्स का भी, जैसे कि यहाँ पर मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ प्लस एक्सिस बैंक एप्लीकेशन, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है। इवन अगर आप रूट करते हैं तो सेफ्टी नेट फिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफॉल्ट होम स्क्रीन सेटअप आपको काफी मिनिमल सा देखने के लिए मिलेगा। गूगल सर्च बार एट बॉटम जिसपे आपको स्कैन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा यानी कि गूगल लेंस का, प्लस एक वॉल्यूम यानी कि साउंड सर्च, और यहाँ पे बाकी आपको टेक्स्ट सर्च देखने के लिए मिल जाएगा। गूगल डायलर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और सारी जो स्टॉक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है वो गूगल की ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि गूगल मैसेजेस, गूगल कॉन्टैक्ट्स, गूगल क्लॉक एंड गूगल डायलर। इस गूगल डायलर में आपको रिकॉर्डिंग फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, बट यस इस पे कॉल अनाउंसमेंट इनेबल्ड है जिसको आप डिसेबल कर सकते हो यूजिंग एनी ट्रिक जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो यहाँ पर गाइज अभी इस गूगल डायलर में आपको रिकॉर्डिंग फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, बट यस इस पे कॉल अनाउंसमेंट इनेबल्ड है जिसको आप डिसेबल कर सकते हो यूजिंग एनी ट्रिक जो आपको मालूम होनी चाहिए। लॉन्चर की अगर हम बात करें तो पैरानॉइड लॉन्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है वे सारी बेसिक फीचर्स, जैसे कि डबल टैप टू स्लीप, सजेशंस इनेबल एंड डिसेबल, एट अ ग्लांस इनेबल एंड डिसेबल, गूगल सर्च बार इनेबल एंड डिसेबल, एंड देन यू कैन हाइड योर लेबल्स, आइकन लेबल्स एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर बेसिक सा सेटिंग है होम लॉन्चर में, बट यहाँ पर अगर हम जाते हैं विजेट्स में तो यहाँ पे सारे गूगल एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 वाले विजेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये क्लॉक। तो इसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ पे मल्टीपल क्लॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एंड्रॉइड 13 स्टाइल्स। वॉलपेपर एंड स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ फीचर्स, जैसे कि डार्क थीम। एंड डार्क थीम जो है बिल्कुल एमोलेड डार्क नहीं है गाइस, यहाँ पर ग्रे फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। एमोलेड डार्क यानी कि पिच ब्लैक डार्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, पूरी कस्टम रोम में ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है। सो आपको जो गूगल का डिफॉल्ट डार्क है वो ही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आप स्टेटस बार और क्विक सेटिंग पैनल पे भी देख सकते हैं जो डार्क है उसमें ग्रे फिनिश रहेगी। नाउ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे थीम्ड आइकन्स। तो थीम्ड आइकन्स जो है ओनली ऑन होम स्क्रीन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐप ड्रॉअर में अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर थीम्ड आइकन्स काम नहीं करते, ओनली ऑन ऐप ड्रॉअर, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ऐप ड्रॉअर के अंदर गाइस थीम्ड आइकन्स एक ब्लंडर जैसा दिखता है। और अब आपको दिखाता हूँ पैरानॉइड एंड्रॉइड सिग्नेचर का एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर सेगमेंट। तो गाइस ये जो वॉलपेपर है बहुत ही कमाल के वॉलपेपर्स है, बिल्कुल मेरे फेवरेट है। मतलब पैरानॉइड एंड्रॉइड वॉलपेपर्स जो है मुझे हर रूम में देखने हैं, मैं अपने हर रूम में एक पैरानॉइड का वॉलपेपर इंस्टॉल करता हूँ जो कि पैरानॉइड एंड्रॉइड को एक प्रीमियम फिनिश देते गाइस। अगर आपके होम स्क्रीन पर एक पैरानॉइड एंड्रॉइड का वॉलपेपर अप्लाइड है तो वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम रूम लगेगी। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस रूम में कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलता है, तो यस डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इट इज नॉट अ बल्कि कस्टमाइजेशन, बहुत ही मिनिमल देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं लॉक स्क्रीन से, तो लॉक स्क्रीन टेक्स्ट और डबल लाइन क्लॉक आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्किंग मिल जाता है लॉक स्क्रीन पर, जो कि सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल टैप वेक आपको देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल टैप यानी कि आपको डबल टैप की जरूरत नहीं है, सिंगल टैप पे फोन को वेक कर सकते हैं। इवन डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और एक और कमाल की चीज़ है ऑलवेज ऑन फिंगरप्रिंट, यानी कि अगर आपका डिस्प्ले बंद है बट आप फिंगरप्रिंट के लोकेशन पे
टैप करेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिएगा ऑटो वेक होके ये अनलॉक कर देगा। डार्क थीम के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, बट अगर आपको शेड्यूलिंग करनी है डार्क थीम की तो वो भी आप कर सकते हैं सेटिंग्स में। स्टेटस बार आइकन जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी, वाईफाई, सिग्नल आइकन्स। अगर आप नहीं चाहते स्टेटस बार पर देखिए तो इन्हें यहाँ से हटा सकते हैं आप। और गाइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी नाइट लाइट जो कि वर्किंग है, और यहाँ पर कलर्स जो है वो स्टेट सैचुरेटेड, नेचुरल और कस्टम कलर्स आप सेट कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए, जो कि 100% आपको वर्किंग मिल जाएंगे। स्मूथ डिस्प्ले यानी कि अडैप्टिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा, और फोर स्पीक रिफ्रेश रेट भी, यानी कि आप 100% अगर चाहते हैं कि हमेशा 120 हर्ट्ज रेट हो भी आप सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर इस फिंगरप्रिंट स्पीड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नियर टू स्टॉक स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आपको स्टॉक रूम नथिंग ओएस में देखने के लिए मिलती है, वैसे ही आपको इस कस्टम रूम पर फिंगरप्रिंट स्पीड देखने के लिए मिलती है। और फेस अनलॉक की बात करें तो गाइस ये भी जो पिछली रूम में यूज करता है उससे काफी ज्यादा फास्ट है, विद इन अ सेकंड आपका फेस अनलॉक काम कर जाता है। अभी सिस्टम सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ग्लिफ की बात कर लेते हैं गाइस। तो ग्लिफ में जो है आपको कुछ फिक्सेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी ग्लिफ जो है पहले से ज्यादा बेहतर काम करता है। फ्लिप टू ग्लिफ में अभी भी आपको बग देखने के लिए मिलता है कि काफी ज्यादा लेट एक्टिवेट होता है, और कभी कभी जब ये एक्टिवेट होता है तो जो उसकी लाइट है वो स्टक हो जाती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये देखिए काफ़ी लेट एक्टिवेट हुआ है ये फ्लिप टू ग्लिफ, और जब ये एक्टिवेट होते कभी कभी तो ये अटक जाता है यहाँ पे। जैसे कि अभी इस वाली पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्लिप टू ग्लिफ है वो काम करा, और यहाँ देख सकते हैं आप स्टक हो गया। इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तब जाके ये फिक्स होता है। बाकी जो है पहले जैसे ही, जैसे कि जो नोटिफिकेशन और रिंगटोन्स का लाइट एनिमेशन है आपको देखने के लिए अभी भी मिल जाएगा। और गाइस नया एडिशन है म्यूजिक विजुलाइजर, तो अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं ताकि आप प्लेइंग म्यूजिक को नथिंग फोन 1 के बैक पैनल पर विजुअली देख सके। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि स्पॉटिफाई पे अगर कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा है और म्यूजिक विजुअलाइजर इनेबल्ड है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि म्यूजिक के बीट के हिसाब से आपका जो नथिंग का ग्लिफ लाइट्स है वो ब्लिंक करेगा। सो दैट्स एन अमेजिंग फीचर जो स्टॉक रूम में देखने के लिए मिलता है, फाइनली कस्टम रूम में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जेस्चर्स में। तो जेस्चर्स में आपको कुछ तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिए, जैसे कि स्क्रीन ऑफ एंड स्क्रीन वेक जेस्चर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वन हैंड जेस्चर है वो भी आपको वर्किंग मिल जाता है। एंड देन आपको देखने के लिए मिल जाता है लिफ्ट टू जैक फोन। अगर आपका फोन ऐसे लेइंग डाउन है तो आपको सिर्फ सिंपली इसे ऊपर करना है तो ये वेकअप हो जाएगा लाइक दिस सिंपली, और ये अच्छे से वर्किंग है। और थोड़ा डिलेज में आता है जो कि मेरे ख्याल से सही है, ऑटोमेटिकली अगर जल्दी होगा तो वो हर बार अनलॉक होता रहेगा जब भी आप फोन को छूओगे। पावर बटन टॉर्च जेस्चर देखने के लिए मिल जाता है। अगर डिस्प्ले बंद है पावर बटन होल्ड करोगे तो फोन बंद नहीं होगा, टॉर्च ओपन होगी कुछ देर के लिए। तो ये जेस्चर जो है काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर आपका लाइट चला जाता है और जल्दी से टॉर्च इनेबल करनी है तो। फिर अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आप वॉल्यूम बटन को यूज कर सकते हो म्यूजिक प्लेबैक चेंज करने के लिए, म्यूजिक ट्रैक स्किप और चेंज करने के लिए। और फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस स्वाइप 3 फिंगर फॉर स्क्रीनशॉट, और ये आपको वर्किंग मिलता है। और हाँ, स्क्रीन ऑफ जेस्चर की जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बात की थी, जो स्क्रीन ऑफ जेस्चर वो ये है, अगर फोन बंद होता है स्क्रीन बंद रहती है उसके ऊपर भी जेस्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी इसमें देखने के लिए वो नहीं मिलता है, बट प्लेस होल्डर है तो फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकता है। तो यार चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की। यहाँ पर मैंने बेंचमार्क टेस्ट रन किया था और सिंगल कोर 931 मल्टी कोर 2815 का स्कोर देखने के लिए मिला, और यहाँ पर वाहियात परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है थ्रॉटल टेस्ट में। तो गाइस 3 मिनट के बाद यहाँ पर थ्रॉटलिंग काफ़ी बढ़ गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस मिली है वो अबाउट 76% के आसपास की मिली है, और दैट इज़ आई थिंक थोड़ा सा डाउनग्रेड रहेगा अगर मैं पिछली रूम से कंपेयर करूँ। बट यार डेली यूसेज में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखने के लिए मिला, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस मिला। तो यार बेंचमार्क्स पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, बट यस अगर स्कोर है तो उसको थोड़ा सा तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में। तो BGMI इंस्टॉल किया था फॉर टेस्टिंग ऑफ द गेमिंग। तो यहाँ पर गाइस मैंने हर ग्राफिक मोड पर टेस्ट किया जो कि मैक्स अवेलेबल है और जो कि मिनिमम अवेलेबल है। तो यहाँ पे शुरू किया था हमने स्मूथ एक्सट्रीम से, जिसपे आपको 60 FPS देखने के लिए मिल जाता है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो परफॉर्मेंस मैनेजर परफॉर्मेंस मॉनिटर इनेबल्ड है, जिसपे आपको GPU, RAM और FPS परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑन स्मूथ एक्सट्रीम भाई 60 FPS का जो सेट रहता है इस पे अराउंड 55-59 के बीच का FPS देखने के लिए मिल रहा था। और यस मैनी कंडीशंस में ड्रॉप होता है, जब आपका फ़ोन हीट होने लगता है या फिर आपकी एक्सट्रीम फाइट चल रही होती है तब ये ड्रॉप होने लगता है। तो चलो दिखाते हैं तुम्हें ग्राफिक्स सेटिंग्स। ग्राफिक्स सेटिंग में जाएंगे अभी स्मूथ एक्सट्रीम इनेबल्ड, बैलेंस पर अल्ट्रा, HD पर अल्ट्रा, HDR पर अल्ट्रा और अल्ट्रा HD नॉट इनेबल्ड देखने के लिए मिलता है, अल्ट्रा यानी 40 FPS। तो चलो हम देखते हैं कि शेट न्यू गेम और मैक्स अवेलेबल ग्राफिक्स सेटिंग पे खेल रहे हो, यानी कि
HDR Ultra पे, जिसपे 40 FPS मिलना चाहिए और अराउंड 37 टू 41 तक जा रहा है FPS, दैट इज ग्रेट। और यस गाइस, ग्राफिक देखिए अगर यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सही देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ग्राफिक स्क्रीन पे बहुत अच्छी नज़र आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आई थिंक उतने नहीं आ रहे होंगे, बट यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है रॉक्स में, और जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इस रूम में जो ग्राफिक ड्राइवर्स आई थिंक बेहतर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ना आप देख सकते हैं शूटिंग करते समय भी FPS 37 39 के बीच में रह रहा है। तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ गाइस, इस रूम को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो गेमिंग के लिए। अगर आप कुछ मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हो जिसमें थोड़ी बहुत अनलॉकिंग देखने के लिए मिल जाएगी तो डेफिनेटली और ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइनली गाइस, अगर बैटरी की बात कर ले तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली इस रूम पे, क्योंकि स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लगेगा। रूम मैंने कल ही इंस्टॉल की है तो थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके बैटरी परफॉर्मेंस स्टेबल होगी। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊं तो गाइस, मुझे एक दिन में 3 बार फ़ोन को चार्ज करना पड़ा, क्योंकि स्क्रीन ऑन यूजेज आप देख सकते हैं कि 50% बैटरी ड्रॉप हो गई 3 आवर ऑफ स्क्रीन यूजेज में, जिसमें सिर्फ 30 मिनट अराउंड BGMI खेला गया होगा। कैपकट जो वीडियो एडिटिंग है मैंने अराउंड 1 आवर तक की हुई है, यानी जो एवरेज स्क्रीन ऑन ड्रेन है वो अराउंड 13% पर आर का है, और अगर आइडल ड्रेन की बात करें तो 2-3% पर आर का आइडल ड्रेन भी इस पर अभी अवेलेबल है, जो कि आई थिंक यूज़ करते करते जब तक स्टेबिलिटी आएगी वो फिक्स हो जाएगा। तो वेब सीरीज़ देखने वालों, DRM इन्फॉर्मेशन में अभी भी वाइड वन L3 ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक होने पर नथिंग फ़ोन की हर रोम में L3, इवन स्टॉक रूम में भी L3 देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अभी यहाँ पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो तो, वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आई हो तो कमेंट करो जो भी क्वेरीज है आपकी, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब एंड फॉलो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, गुड बाय।